फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ वेस्ट स्टडीज़ एंड आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इसराइल एंड पैलेस्टीन इशू। एंड आपने ये कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, सो आज हम इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे आपका इसराइल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद आपके इनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे अरब कंट्रीज़ के साथ हो गए, इनके साथ क्या क्या वॉर हुए, ये हमने डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम चार वॉर डिस्कस करने वाले हैं, उनके रिजल्ट्स देखेंगे, फिर आउटकम्स देखेंगे, फिर ये क्यों हुए, ये सब हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। सो पहले स्टार्ट करने से पहले, इस इशू को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके थोड़े से मतलब मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ सा एक मैप ड्रॉ किया है, आप इसको एटलस में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर आपका है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन था पहले, ये था आपका इसराइल, ठीक है। इतना सा आपको समझ आ गया, बेसिक सा। एंड उसके बाद है आपका, यहाँ पर है आपका लेबनन, फिर है यहाँ पर सीरिया, सीरिया के पास है यहाँ पर गोलन हाइट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है गोलन हाइट्स, ये वाला पोर्शन, ये वाला गोलन गोलन हाइट्स है, ठीक है। और यहाँ पर है लेक टिब्रियास, यहाँ पर आप देखते हो लेक टिब्रियास, ठीक है। और इसके ईस्ट में है आपका जॉर्डन, ठीक है। और यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक, ये वाला पोर्शन, ये काफ़ी मतलब इस टॉपिक में आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है वेस्ट बैंक और ये है आपका डेड सी, ठीक है। सो आप देख सकते हो डेड सी को आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, जिसमें मतलब नेबर कर रही है, एक है आपकी जॉर्डन और एक है आपकी इसराइल, और यहाँ पर है आपका गाजा स्ट्रिप, ये भी आपका काफ़ी यूज़ में आने वाला है, सो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन रहता है, ये वाला ये है आपका इजिप्ट का एक पार्ट है, पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहाँ पे है पोर्ट एलेथ, एलेथ पोर्ट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ, यहाँ पर जैसे गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हो इसराइल को तीन चार कंट्रीज हैं वो नेबर कर रही है या फिर इसका बॉर्डर टच कर रही है, जैसे कि हो गया लेबनन, फिर हो गया सीरिया, फिर जॉर्डन, ठीक है, उसके बाद हो गया इजिप्ट। और डेड सी को देखें तो आपके डेड सी को दो ही कंट्री कर रही है, जैसे कि जॉर्डन हो गया और एक हो गया इसराइल, ठीक है। इतना बेसिक सा समझ आ गया, ये मैप आपको थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि कई बार जो आपके वॉर्स आएंगे हम उसमें इन मैप का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो नेबरिंग कंट्रीज है इसका भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, एंड इसके हम देख लेंगे वॉर्स वगैरह सब कुछ देख लेंगे। सो अगर हम शुरुआत की बात करें कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अराउंड 71 AD ज्यूज थे जो आपके इसराइल जो एक आप पैलेस्टीन जो एक प्लेस था वहाँ पर ये रह रहे थे पहले, ठीक है। तो ये आपके ड्रिवन आउट कर दिए थे आपके बाय द रोमन्स, ठीक है। अब जब इन्होंने रोमन्स ने इनको पैलेस्टीन्स को मतलब यहाँ से बाहर निकाला, मतलब ज्यूस को यहाँ से निकाला, पैलेस्टीन से बाहर निकाला, तो ऐसा नहीं था कि आपके जो सभी जो ज्यूस थे वो यहाँ से निकल गए, कुछ कुछ यहाँ पर रह भी गए थे और कुछ मतलब टाइम बाद आ भी रहे थे, मतलब थोड़े थोड़े आते जा रहे थे, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये मोस्टली आपके रह रहे थे आपके या तो ईस्टर्न यूरोप में रह रहे थे, वेस्टर्न यूरोप में, मोस्टली आपके यूरोप में रह रहे थे, ठीक है। तो अब इनके साथ क्या होता था, इनके साथ जब ये यूरोप में रह रहे थे तो इनके पास काफ़ी मतलब इनके साथ यूरोप में या फिर और कंट्रीज में क्या हो रहा था, इनके साथ आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या तो परसिक्यूशन कह सकते हो, ठीक है। तो अराउंड 1897 क्या हुआ, एक वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो बनी आपकी बेजल में, जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसका मेन पर्पज था कि आपकी जो आपका होमलैंड है आपके ज्यूस के लिए, एक ऐसा होमलैंड बनाए जहां पर आपके जो ज्यूस है आपको ना तो किसी परसिक्यूशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सामना करना पड़े या तो फेस करना पड़े। तो बेसिकली इनके माइंड में था कि आपके ये जो पैलेस्टीन है ये एक मतलब आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले रह भी रहे थे, ठीक है। सो बेजल हो गई, ये आपकी थी आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपका थर्ड पॉइंट है आपके, अराउंड वर्ल्ड वॉर वन के दौरान आपके क्या हुआ, जो बेलफर डिक्लेरेशन हुई, बेलफर डिक्लेरेशन का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ये आपके जो आर्थर बेलफर थे,
ये थे आपके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे आपके किसके, ब्रिटेन के। अब इन्होंने ये जो ये वर्ल्ड जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और इन ये जो कॉज था इसको सपोर्ट कर रहे थे ये, कि मतलब ये भी इनको सपोर्ट करते हैं वेलफेयर, मतलब उसको मतलब वर्ल्ड जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, कि या फिर मतलब कि कोई इनके लिए मतलब ज्यूज के लिए कोई एक इनका होमलैंड हो, ठीक है, जहां पर ये सेटल कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ जब आपका वर्ल्ड वॉर वन हो गया, उसके बाद क्या हुआ जो आपके टर्की के फिर या फिर कुछ एक जो आपका मिडिल ईस्ट का जो एरिया था ये आपका डिवाइड हो गया, एंड जो आपका पैलेस्टीन था वो आपके आया मतलब ब्रिटेन के अंदर। तो इससे मतलब जब ब्रिटेन के कंट्रोल में आया पैलेस्टीन, तो मतलब इससे जो ये वाला सपोर्ट था मतलब ज्यूस के जो कॉज को था और सपोर्ट मिलता गया, और क्या हुआ कि मतलब ये धीरे धीरे जो ज्यूस थे ये पैलेस्टीन की तरफ आने लगे, मतलब इनका जो ट्रिकल डाउन होने लगा पैलेस्टीन की तरफ। अब क्या हुआ कि यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जब ये ट्रिकल डाउन होने लगा धीरे 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 धीरे, और अराउंड क्या बोलते आपकी 1933, और यहां पर आपके नाजीज ने भी इनको काफी प्रोसिक्यूशन हुआ आपका ज्यूस का, और जिससे क्या हुआ कि इसके जो नंबर्स थे आपके ज्यूस के माइग्रेशन के वो और बढ़ गए, ठीक है। अब क्या हुआ जब यहाँ पर जो अरब्स थे जो पैलेस्टीन में पहले अरब रह रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि ये अगर ये लोग यहाँ पर आने लगे तो इनके पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्रेट हो सकते हैं, ये आपके सोशल मतलब इनका कल्चर वगैरह चेंज हो सकता है, इकोनॉमी को थ्रेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए इसके खिलाफ आवाज उठाई, मतलब ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स को वो कर रहे थे कि आप इनको मतलब इनकी जो माइग्रेशन हो थोड़ा सा इनको रोके, ठीक है। पर जब ये आपके बेलफर डिक्लेरेशन हुई थी तो इसमें ऐसा क्लियर कट नहीं कहा गया था कि आपके जो टोटली है वो आपके सेटल हो जाएंगे यहाँ पर, आपके ज्यूस हैं वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। इसमें ये कहा गया था कि पैलेस्टीन तो यहाँ पर रह सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपके एग्जिस्टिंग जो अरब्स हैं इनके आपके इस तरीके से रहेंगे कि मतलब इनके जो आपके सोशल हो गया या फिर जो रिलीजियस राइट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली कह दिया था आपके जो आर्थर बेलफर थे, ठीक है। फिर आया आपको उसके बाद, अब इन्होंने भी काफी फोर्स किया मतलब अरब्स ने भी ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अराउंड क्या बोलते 1936 के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अराउंड 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो थी आपकी ज्यूस की पॉपुलेशन, और जो रेस्ट रह गए वो रह गए अरब्स के, ठीक है। फिर एक जो ब्रिटिश पील कमीशन था उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, और आइडिया क्या प्रपोज किया कि ये जो कंट्री है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, वन होगी आपके अरब्स के लिए और वन होगी आपके पैलेस्टीन के लिए। अब इसमें जो अरब्स थे इनमें इन्होंने ये जो आइडिया था ये रिजेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले ये आपका काफी जो परसेंट था वो होल्ड कर रहे थे, एंड अब ये सिर्फ 50% मतलब 50% इनके लिए डिवाइड कर दिया जाएगा और 50% पैलेस्तीन के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली इनको मतलब ये इस आइडिया को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया ब्रिटिशर्स ने, कह दिया कि आपके मतलब इनकी जो मतलब 10,000 ही रहेगी, मतलब जो आपकी माइग्रेशन रहेगी वो आपकी लिमिट कर दी, वो कर दी कि यहाँ पर सिर्फ 10,000 ही आपके वो आ सकते हैं पैलेस्टीन, मतलब ज्यूस आ सकते हैं पैलेस्टीन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हो गया। अब वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि इनके साथ और परसिक्यूशन हो रहा था इनका ज्यूस का, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि इनकी जो ज्यूस की जो संख्या है माइग्रेशन की वो और बढ़ती गई, और आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा या तो अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपने देखा था कि मतलब ज्यूस का काफी मतलब लार्ज नंबर में आपका परसिक्यूशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी आपका यूएस ने भी काफी वो कहा कि आपको जो मतलब इनकी जो ये 1 लाख की है, मतलब जो 10,000 की लिमिट है इसको हटाकर आपको क्या कर देना चाहिए, इसको कर देना चाहिए 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख लिमिट करने को कहा यूएसए ने, कि मतलब आपके 1 लाख माइग्रेंट्स है वो यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर रह सकते हैं, मतलब यहाँ पर 1 लाख लोग पैलेस्टीन में आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसमें कुछ एक टाइम पे क्या हुआ था कि इन्होंने नाजीज मतलब
जूस ने काफी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को या फिर ब्रिटेन को। आपके अराउंड आपके 30,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने पार्ट लिया था आपका और हेल्प की थी ब्रिटेन की। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि एक लास्ट चांस लेते हैं और हम भी क्या करते हैं कि मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर मतलब अटैक लग गए ये करने। किस पे लगे करने? एक तो लगे करने ब्रिटेन के ऊपर और अगेंस्ट द अरब्स। ठीक है, अब ब्रिटेन के लिए ये जो कंडीशन थी ये काफी डिफिकल्ट हो गई थी। एक टाइम इनको मतलब जूस को भी हैंडल करना पड़ रहा था और अरब को भी हैंडल करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि इससे बेटर है कि यहाँ से निकलना ही बेटर है। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि यूएन आप इसको संभाल लो। और यूएन ने क्या किया, यूएन ने इस मतलब प्रपोजल दिया कि आपका हाफ जाना चाहिए मतलब इसराइल के लिए, मतलब पैलेस्तीन के लिए, मतलब अरब्स के लिए, और हाफ हो सकता है आपका जूएस के लिए। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, क्या कहा, यहाँ से निकलने का सोचा। ठीक है, इतना बेसिक सा आपको समझ आ गया। इसका मेन रीजन ये भी था कि आपके पता है आपको कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन भी आपका इन्वॉल्व था आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से जो ब्रिटेन की जो ताकत थी वो आपकी काफी कमजोर हो गई थी। तो इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि बेटर है कि हम यहाँ से निकलें और यूएन यूएन को इस कंडीशन को आपको सॉल्व करने दिया जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हेडलाइन रहती है वो रहती है आपका कि इस जो पूरी सिचुएशन के लिए आपका कौन कौन जिम्मेवार है, या तो यूएसए जिम्मेवार है या तो फिर यूके जिम्मेवार है, इनमें से कौन से जो कंट्री है वो जिम्मेवार है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं आगे अगली स्लाइड में। सो कई लोग कहते हैं कि इस कई हिस्टोरियंस कह सकते हैं आपको, वो कहते हैं कि आपके जो इस होल कियोस के लिए आपका ब्रिटेन या फिर यूके कह सकते हो आप, ये आपका जिम्मेवार है। एंड आप दोनों साइड के हिसाब से लेंगे तो आप अरब कहते हैं कि आपका मतलब ब्रिटेन आपका जिम्मेवार है क्योंकि इस इन्होंने आपकी जो माइग्रेशन है इनको अलाउ होने दिया और यहाँ से नंबर बढ़ते गए, और इनके दौरान ही आपकी जो ब्रिटेन के दौरान ही यहाँ पर माइग्रेशन है वो बड़ी है। एंड इसराइल कहते हैं कि इन्होंने मतलब काफी कम लोगों को ही अलाउड किया, जैसे कि आपके 10,000 पे आपकी इन्होंने लिमिट लगा दी थी। तो इन्होंने ये कह रहे थे कि आपके इसके लिए आपका ब्रिटेन जिम्मेवार है क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके थोड़े से ही लोगों को आपका अलाउड किया। फिर वहीं पर आप कुछ लोग कहते हैं कि आपका यूएसए भी जिम्मेवार है क्योंकि, एंड इसके पीछे मेन पॉइंट ये रहता है कि आपका यूएसए ने भी ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर किया था कि आपको ये 10,000 की जो लिमिट है इसको हटाकर क्या कर देना चाहिए, इस लिमिट को हटाकर 1 लाख कर देना चाहिए, ताकि 1 लाख लोग हैं माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर मतलब पैलेस्तीन में आपके वॉर के दौरान यहाँ पर आपके आ सकें। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका यूके है वो लीव किया, अब इसके जो आपके नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे कि आपके, अब यहाँ पर आपके जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर आपकी अरब्स की ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, इनमें अरब्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, और अब क्या हुआ, ये आपकी जो ये इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी यहाँ पर भी आपकी काफ़ी मतलब अरब की पॉपुलेशन थी, और ये आपके मतलब पैलेस्तीन के जो अरब के लोग थे इनके लिए काफ़ी मतलब वो थे, सिंपथाइज थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि इसको मतलब जैसे ही आपके यूके लीव करेगी ये इनके ऊपर अटैक कर देंगे इसराइल के ऊपर, और क्या करेंगे इनको मतलब यहाँ से वो करा देंगे, हटा देंगे ताकि यहाँ पर अरब्स वगैरह रह सके। ठीक है, तो यहाँ की जो इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे कि हो गया इजिप्ट, हो गया सीरिया, हो गया जॉर्डन, हो गया इराक, हो गया लेबनन, हो गया, इन सब ने क्या किया, इन सब ने आपके क्या किया, यूएस के खिलाफ क्या कर दिया, इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया जैसे ही आपका यूके यहाँ से लीव किया स्टार्ट किया। सो ये रहता है आपका फर्स्ट वॉर जिसका नाम था आपका अरब इजराइल वॉर, जो कि होता है अराउंड 1948 और 49 के बीच। एंड इस वॉर का रिजल्ट ये रहता है कि आपका जो पहले जो आपका यूएन मैंडेट था कि आपका मतलब 50-50% रहेगा, आपके 50% अरब्स के लिए रहेगा और 50% आपके ज्यूस के लिए रहेगा। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो 2/3 पार्ट था वो उन्होंने इसराइल ने वो कैप्चर कर लिया ऑफ पैलेस्तीन। ठीक है, 2/3 पार्ट तो इन्होंने कैप्चर किया ही, प्लस आपने जो इलाक पोर्ट है वो ऑफ इजिप्ट का वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था जो था आपके रेड सी के ऊपर, ये जो पोर्शन है ये भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ये जो मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये मैप बताता है कि आपका पहले जो आपके मतलब पैलेस्तीन में आपके कितने जो
लोग थे वो आपके जूएस के थे और मतलब और अरब्स के थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतना ही पोर्शन है वो रह गया है आपका पैलेस्तीन का, ठीक है, और ये जो रेस्ट पोर्शन रहता है वो रहता है आपका इसराइल का। और कुछ एक टाइम के बाद देखते हो आप 1949 और 1967 के आप अराउंड देखते हो तो इनकी जो मतलब एरिया है वो और कम हो गया है इनका पैलेस्तीन का, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद आप प्रेजेंट में देखोगे तो प्रेजेंट में और कम हो गया है, ठीक है, और पहले इतना था, ठीक है, अराउंड 1947। अब हमने देखा कि जैसे कि आपका इनकी नेबरिंग कंट्रीज थी, इन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया, मतलब इन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, बट इसमें जो आपकी विजय रही या फिर विक्ट्री रही वो रही आपकी इसराइल की। और इसके पीछे जो मेन रीजन वो रहता है कि इन्होंने आपके काफी जो ज्यूस के सोल्जर्स थे इन्होंने आपके ब्रिटिश आर्मी में सपोर्ट किया था इनको, सो इनको थोड़ा सा बैटल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था। और क्या हुआ, और इन इनकी जो आपके एनिमीज थे इनमें आपके जो एनिमीज कंट्रीज मतलब एनिमीज की जो कंट्रीज थी इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये भी एक मेन रीजन बनता है आपका, जिसकी वजह से जो आपकी ये इजराइल की जो आपकी विक्ट्री हुई, ठीक है। अब इसका आउटकम ये रहा कि यहाँ पर आपके जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो गए, रिफ्यूजी क्राइसिस हुए कहाँ पर, इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी आपके इजराइल की जो नेबरिंग कंट्रीज थी यहाँ पर आपके रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से, ठीक है। वॉर रहता है वो रहता है आपका सुएज वॉर ऑफ 1956। एंड इसमें अगर हम वॉर की बात करें तो ये क्यों हुआ था एंड इसके पीछे हम रीजन देख लेंगे कि इसके क्या क्या रीजन थे। सो अगर हम बात करें इसमें कर्नल नासिर का बहुत बड़ा रोल था। एंड हम इससे पहले कि हम कर्नल नासिर के बारे में थोड़ा सा बात करें, सो हम देख लेते हैं कि आपके जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या सिचुएशंस अराइज होती है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ था आपका, अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आपके पूरे आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपके कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन द जिसके टू मेजर प्लेयर्स थे, जिसमें थे एक था यूएसए, वन साइड थे आपके यूएसए एंड वन साइड थे आपके यूएसएसआर, ठीक है। सो अगर हम एक आपको ये याद रखना पड़ेगा इसको, मतलब इस वॉर को थोड़ा सा समझने के लिए ये वाला कंसेप्ट एंड, ठीक है। सो अगर हम कर्नल नासिर की बात करें तो वो थे आपके इजिप्ट के नए रूलर, ठीक है। एंड कर्नल नासिर थे ये चाहते थे कि आपके जो आपके अरब यूनिटी की तरफ, मतलब ये चाहते थे कि आपकी अरब जो आपका एक पूरा एक जैसे आपका यूरोपियन यूनियन हो गया वैसे ही आप वो चाहते थे कि आपका जो अरब जो आपके नेशंस है वो भी कुछ इसी तरीके से रहे, मतलब अरब में यूनिटी रहे, ठीक है, और वो अरब इंडिपेंडेंस की तरफ भी देख रहे थे, ठीक है, और वहीं पर चाह रहे थे कि इसमें आपके जो फॉरेन पावर्स है जैसे कि आपके बाहर की जो पावर्स है जैसे कि यूएसए यूएसएसआर हो गई, ये इसमें इतना अपने अरब में इतना वो नहीं चाहते थे, मतलब इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, ठीक है। सो अरब यूनिटी और इंडिपेंडेंस, ठीक है, और वो चाहते थे कि आपका जो पैलेस्तीन है वो भी आपका आजाद हो जाए फ्रॉम द इज़राइल, ठीक है। सो इतना सबको बेसिस से समझ आ गया मतलब कर्नल नासिर के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, कर्नल नासिर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने फिदाइन सीरीज किए थे जो कि आपके होते थे आपके जो आपके सेबोटाज एक्टिविटीज, मतलब कि जो आपके जासूसी वाले काम करते थे, और ठीक है जो ये फिदाइन थे ये क्या करते थे, ये आप इनको सेल्फ सेक्रीफाइसर्स के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइसर्स सेक्रीफाइसर्स, ठीक है। सो इनका जो मेन काम रहता था आपको फिदाइन का वो रहता था आपका सेबोटेज एक्टिविटीज करना या फिर आपके मर्डर करना, मर्डर कहाँ पर करना, ये सब सेबोटाज हो गया या चाहे मर्डर हो गया, इन्होंने क्या किया था ये करते थे आपके कहां पर, इसराइल में, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हुआ कि यहां पर जो हमने पिछली भी कई क्लासेस में देखा है कि आपका अराउंड स्वेज कनाल थी, ठीक है, वो कंट्रोल कर रही थी आपको, वो कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक है, और ये आपका इजिप्ट का ही पार्ट था पहले, तो इन्होंने क्या किया था, इजिप्ट से इन्होंने लिया था ऑन लीज लिया था, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए, ठीक है, और 1956 के अराउंड इसकी जो लीज थी वो खत्म होने वाली थी और इनको लग नहीं रहा था कि जो मतलब ये रिन्यू हो पाएगी, ये तो चाह रहे थे कि रिन्यू हो बट
इनको लग रहा था कि मतलब कर्नल नासिर है वो आपके ये जो इसको है वो रिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कर्नल नासिर ने कुछ एक वेपन्स वगैरह हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, टैंक्स हो गए, बॉम्बर्स हो गए, ये इन्होंने रशियन मिलिट्री से भी एक्वायर किए थे, ठीक है। कर्नल नासिर ने इतना सा को बेसिक सा समझ आ गया, सो इन्होंने सोचा कि अब यूएसए सोचता है कि अब यूएसए ने सोचा कि मतलब यूएस इजिप्ट है वो आपके मतलब जा रहा है क्लोज, जा रहा है किसके क्लोज जा रहा है, वो जा रहा है क्लोज मतलब यूएसएसआर की तरफ क्लोज जा रहा है। तो इन्होंने इन्होंने यूएसए ने इसको पनिश करने के लिए क्या किया, इनकी जो एक मतलब ग्रांट आई थी इजिप्ट में एक डैम बनाने के लिए जिसका नाम था आपका एसवान डैम, ठीक है। और वो जो डैम मतलब ग्रांट थी वो थी अराउंड 46 बिलियन डॉलर, ठीक है, 46 मिलियन डॉलर, इतनी की जो ग्रांट थी वो इनको मिलनी थी इजिप्ट को फ्रॉम द यूएस साइड टू बिल्ड दिस डैम एसवान डैम, ठीक है। बट इन्होंने इस जैसे जैसे आपकी यूएसएसआर के साथ इनकी जो क्लोजनेस थी वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने पनिश करने के लिए ये जो ग्रांट थी ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दी। और क्या हुआ कि कर्नल नासिर ने क्या किया, ताकि इस डैम को बिल्ड करने के लिए इनके पास फंड आए, इन्होंने क्या किया, इस जो स्विस कैनाल थी इसको क्या किया, इसको इन्होंने नेशनलाइज कर दिया, ताकि जिससे जो फंड आए वो आपका रेस किया जा सके फॉर द एसवान डैम, ठीक है। सो आप देखते हो ये सब रीजंस थे पहले जो आपके पहले इमर्ज हुए थे, जैसे कि आपका एसवान डैम हो गया, ये फिर ब्रिटिश और फ्रेंच वाला, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस वाला, ठीक है, फिर आपका अरब यूनिटी जो आपके कर्नल नासिर थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और ये नहीं चाह रहे थे आपकी कोई फॉरेन पावर्स है या फिर आउटसाइड पावर्स है वो यहाँ पर आपके अरब में थोड़ा सा इंटरफेयर करें। तो ये क्या करते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल क्या करते हैं, ये एक प्लान बनाते हैं। इनका प्लान ये था कि आपका जो इजराइल है ये आपका अटैक करेगा इजिप्ट के ऊपर, ये और ये अराउंड स्वेज कैनाल या फिर आपको कह सकते हैं सिनाई पेनिनसुला है वो कैप्चर कर देंगे, ठीक है। और ब्रिटेन और फ्रांस है ये अपने जो ट्रूप्स है यहाँ पर स्टेशन कर देंगे स्वेज कैनाल के पास, ताकि इनका कहना ये था कि ये जो आपकी जो स्वेज कैनाल है इसको कोई मतलब कोई खतरा ना हो या फिर डेंजर ना हो, तो और इसको वॉर से बचाया जा सके, तो ये यहाँ पर अपने जो ट्रूप्स है वो स्टेशन कर देंगे, ठीक है। अब जब वॉर हुआ तो जो इसराइल ने था आपका ये जो सिनाई पेनिनसुला है वो पूरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और ब्रिटेन और फ्रांस ने भी आपकी जो इजिप्ट की जो एयरफील्ड्स थी जहां पर इनकी आर्मी स्टेशन होती है या फिर एयरफोर्स स्टेशन होती है, इनको भी इन्होंने काफी डिस्ट्रॉय किया था, अटैक कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर अपने जो ट्रूप्स थे स्वेज कैनाल के पास यहाँ पर स्टेशन कर दिए थे। अब यही देखकर जब पूरे वर्ल्ड में मतलब इसके जो खिलाफ था मतलब काफी मतलब एंगर हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ में, ठीक है, और यूएसए को भी थोड़ा सा डर था कि कहीं आपके जो ये आपके अरब जो कंट्रीज है, क्योंकि एक प्रकार से जो इजिप्ट थी वो आपके अरब कंट्री थे और अरब नेशन के ऊपर थोड़ा सा अटैक हो रहा था, और कर भी कौन रहा था, इसराइल कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और आप पहले भी पता है आपको पिछले वॉर में जब आपके इसराइल के अगेंस्ट आपके कितनी कंट्रीज ने जैसे इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इन्होंने इसराइल के खिलाफ अटैक किया था। तो इसमें डर था आपको, यूएसए को डर था कि ये जो आपकी कंट्रीज थी जो आपका मतलब अरब को सपोर्ट कर रहे थे ये मतलब यूएसएसआर की तरफ ना चले जाए। तो यूएसए ने भी क्या किया, यूएसए ने बैक स्टैप कर दिया इनको, क्योंकि बैक स्टैप इस सेंस में किया कि इन्होंने शायद यूएसए ने पहले मतलब प्रॉमिस किया था कि वो शायद मतलब इजिप्ट के खिलाफ जो वॉर में आपका मतलब इनकी हेल्प करें, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएन में आपके इमिजिएट सीज फायर के लिए कहा कि आपके यहाँ पर इमिजिएट सीज फायर होना चाहिए आपके इस वॉर के लिए। अब इससे क्या हुआ, जो आपका वर्ल्ड जो ओपिनियन था वो आपका अगेंस्ट हो गया, किसके अगेंस्ट हो गया, फ्रांस और ब्रिटेन के अलग हुआ। और इसका जो आउटकम रहता है वो रहता है आपके जो इससे जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो रिस्पेक्ट थी वो काफी टार्निश हो गई, ठीक है। और क्या बोलते कलन नासिर की जो इमेज थी वो काफी बड़ी, क्योंकि ही वॉज एबल टू विथस्टैंड द वेस्टर्न पावर्स, समझ
उसकी वजह से जो इनकी जो इमेज थी कर्ल नासिर की वो काफी इंक्रीज हुई। एंड वन ऑफ द आउटकम ये भी रहा कि आपके जो ऑयल के जो एक्सपोर्ट थे वो आपके वेस्टर्न यूरोप के लिए वो काफी डिक्रीज हो गए, ठीक है। और इससे जो आपकी ब्रिटेन की जो पावर है वो काफी मतलब इंक्रीज हो गई, मतलब लोअर हो गई या फिर डिक्रीज हो गई ये कह सकते हो आप। और अल्जीरिया का जो कॉन्फिडेंस था वो काफी हाई हो गया, क्योंकि अल्जीरिया भी मतलब फ्रांस के खिलाफ थोड़ा सा मतलब वो इनके साथ थोड़े से इनके इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, अल्जोरियन के साथ। तो इससे जो इनके जो कॉन्फिडेंस था इनका काफी राइज हुआ अल्जोरियन का, ठीक है। वो रहता है आपका सिक्स डे वॉर ऑफ 1967। तो हमने दो वॉर पढ़े, एक पढ़ा था आपका इसराइल इसराइल अरब वॉर ऑफ 1948 और 49, और फिर 1956 का स्वेज कैनाल वॉर पढ़ा हमने, और नेक्स्ट है आपका वो रहता है आपका 60 वॉर ऑफ 1967। आपका जो 60 वॉर था, आपका जो 60 वॉर ऑफ 1967 था, इसके जो मेन रीजन रहते हैं वो रहते हैं कि आपका जो ये वॉर हुआ है वो क्यों हुआ है। आपका देखते हो कि यहाँ पर जो आपके इराक में आपके गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस विद द बाथ पार्टी केम टू पावर इन द नेबरिंग सीरिया। अब क्या था, अब ये जो बाथ पार्टी थे इनका जो कहना था वो देवर फोकसिंग ऑन द अरब यूनिटी, अरब यूनिटी हो गया, चाहे अरब नेशनलिज्म हो गया, सब बेसिकली जो बात पार्टी थी वे चाह रहे थे कि आपके जो अरब्स थे या तो यूनाइट रहें या अरब नेशनलिस्ट हों, ठीक है। और ये थोड़े से मतलब एंटी इंपीरियलिस्ट थे, एंटी इंपीरियलिस्ट मतलब इन सेंस की जो आपके इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे उनके खिलाफ थे थोड़ा, ठीक है। उनके उनका जो इंटरफेरेंस था वो आप अपने यहाँ पर नहीं चाह रहे थे, ठीक है। और इनके जो थोड़ी सी जो आइडियोलॉजी थी वो रहती थी थोड़ा सा मतलब वो रहती थी थोड़ा सा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, मतलब ये आपके जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके लिए आप चाह रहे थे कि इनके लिए थोड़ी सी बेटर ट्रीटमेंट हो, या तो फिर उनके जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी अच्छे रहे। बेसिकली वो चाह रहे थे कि यहाँ पे सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हों, ठीक है। इन्हीं आइडियल से मतलब प्रेरित या फिर आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस जो पार्टी थी वो यहाँ पर आई आपके इराक में, और वहीं पर आपके बात पार्टी थी वो आई थी आपके सीरिया में, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे थे अलफतह। अलफतह मतलब कि पेलिस्तीनियन लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है। और अलफतह बिकेम द कोर कोर ऑफ द पेलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विद जो आपके यासिर अराफत थे ये इसके हेड थे, ठीक है। जो पेलिस्तीन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप पीएलओ भी कहते थे, इसके जो हेड थे वो थे कौन, यासिर अराफत। बेसिकली अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर बात पार्टी थी जो आपके सीरिया में एमर्ज हुई, जिसका जो मेन आइडियोलॉजी रह सकते हो या फिर फोकस था वो रहता था आपका अरब यूनिटी की तरफ, कि मतलब अरब अरब हैं आपके यूनाइट रहें, अरब नेशनलिस्ट की तरफ। और ये चाह रहे थे कि एंटी इंपीरियलिस्ट थे, मतलब कि इंपीरियल पावर्स यहाँ पर आपके अटैक ना करें या फिर इंटरफेरेंस ना करें इनके मैटर्स में, ठीक है। और इनकी जो मतलब लीनिंग्स थी वो लीनिंग्स थी थोड़ी सी सोशल सोशल रिफॉर्म्स की तरफ या फिर सोशलिस्ट की तरफ थे, ये थोड़े से मतलब चाह रहे थे कि आपके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको थोड़ी सी बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए और सोशलिस्ट रिफॉर्म मिल पाए, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे इन आइडियोलॉजी से संबंध रखने वाले दो पार्टीज थी, एक आई थी जो आई थी इराक में और एक आई थी सीरिया में, ठीक है। उसके बाद जो कर्नल नासिर थे वो भी आपके काफी मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो वगैरह कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने किए, लैंड रिफॉर्म्स जैसे कि आपके जो भी आपके जिनके पास 100 एकड़ से ऊपर जिनके पास लैंड होती थी वो जो उनकी सरप्लस लैंड थी 100 एकड़ से ज्यादा वाली लैंड थी उनको डोनेट किया कर दिया जाता था आपका टू पीजेंट्स, ठीक है। फिर इनके दौरान आपके काफी मतलब सोशल रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लैंड रिफॉर्म्स हुए, मतलब कर्नल नासिर के दौरान, ठीक है। और रशिया ने भी काफी एनकरेज किया इजिप्ट को, और
सीरिया, जॉर्डन, लेबनन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने ट्रूप्स थे वो स्टार्ट कर दिए आपके, मतलब ये जैसे इसराइल है, अब ये सारी नेबरिंग कंट्रीज है आपकी इसराइल की, जैसे कि हो गया जॉर्डन हो गया, चाहे लेबनन हो गया, जैसे कि लेबनन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर सीरिया हो गया, यहाँ पर आपके जॉर्डन हो गया, ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सीरिया हो गया या फिर लेबनन हो गया, जॉर्डन हो गया, इन्होंने क्या किया, जो अपने ट्रूप्स थे इनके बॉर्डर्स पे मतलब स्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने ये किया कि इन्होंने सोचा कि वेट करने से अच्छा है कि हम इनके ऊपर पहले अटैक कर दें, तो इन्होंने क्या किया, इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने पहले इनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैप्चर किया कौन सी कौन कौन से पार्ट्स इन्होंने कैप्चर किए, इन्होंने किया गाजा स्ट्रिप, फिर इन्होंने सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर किया, फिर इन्होंने वेस्ट बैंक कैप्चर किया, फिर गोलान हाइट्स हो गया, ठीक है। और इस वॉर में आपके जो रशिया थे, रशिया ने इन्होंने काफी मतलब हेल्प नहीं की, नहीं हेल्प कर पाए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने काफी वेपन्स प्रोवाइड करवाए ताकि जो इनकी जो मतलब रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ काफी बेटर हो पाए, ठीक है। बाद क्या हुआ कि यहाँ पर यूएन का सीज फायर ऑर्डर आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो आउटकम ये भी रहता है कि आपके इससे जो आपकी कर्नल नासिर की जो इमेज थी उसके ऊपर भी काफी ह्यूज सेटबैक पड़ा, इसके ऊपर ह्यूज सेटबैक पड़ा, ठीक है। और कुछ जो प्लेसेस थे वो आपके इसराइल के कंट्रोल के अंडर आ गए, जैसे कि गोलाइन हाइट्स हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये सब जो पार्ट थे ये मतलब इसराइल के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। इतना बेसिक्स आपको थोड़ा सा समझ आ गया। एंड नेक्स्ट जो वॉर है वो है आपका योम किपुर वॉर, ठीक है, योम किपुर वॉर ऑफ 1973। सो आप सोच रहे होंगे ये योम किपुर क्या होता है, तो योम किपुर एक जूस जूस में एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। सो ये वॉर हुआ था आपका योम किपुर वॉर ऑफ 1973। तो इसका मेजर रीजन ये रहता है कि आपको पहली बात तो आपके इजिप्ट थे, इजिप्ट में अब क्या हो रहा था इनको पता लग गया था या फिर फील हो गया था कि इतने इन्होंने वॉर लड़े, जैसे कि 56 का वॉर लड़ा इन्होंने, फिर 48 का वॉर लड़ा, फिर 67 का वॉर लड़ा, तो इनको थोड़ा सा मतलब हो गया था कि मतलब इसराइल है वो एक रियलिटी बनता जा रहा है, तो ये चाह रहे थे कि मतलब इसराइल के साथ थोड़ी सी पीस सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। अब वहीं पर क्या हुआ, उसके बाद आपकी जो कर्नल नासिर की वो भी डेथ हो जाती है अराउंड 1970 के अराउंड, इनकी जो डेथ है वो हो जाती है कर्नल नासिर की। क्या हुआ कि आपके जो ये पीएलओ था, जो मैंने पहले बताया था पैलेस्तीन लिबरेशन मूव ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है आपके इनके ऊपर जो अरब स्टेट्स थे ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट कर देती है कि आप देखोगी यहाँ पर आपके जो अरब पैलेस्तीन के ऊपर कितना जो मतलब इनजस्टिस हो रहा है इनको अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल, तो ये क्या करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनमें से जो एक एक्सट्रीम फैक्शन था, जैसे कि आपका हो गया पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्तीन, ये क्या करने लगा, ये आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज करने लगा। और इसमें से एक एग्जाम्पल ये भी रहता है कि इन्होंने दो या तीन जो एयरलाइंस थी इन्होंने इनको हाईजैक कर लिया था, और इन्होंने क्या किया था, इनको इन्होंने जो जॉर्डन की जो कैपिटल है जिसका नाम था आपका अमान, वहां पर इन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। जी अब ये भी नहीं चाहते थे कि आपके पूरी दुनिया में जो आपका अरब का जो एक कॉज है ये आपका एक टेररिस्ट एक्टिविटीज के रूप में हो जाए, तो ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि आपके जो अमेरिका है, ये आपके जो इजिप्ट इजिप्ट वाले थे, ये चाह रहे थे कि आपके अमेरिका है वो मीडिएटिंग रोल प्ले करे बिटवीन द पीस, मतलब पीस एग्रीमेंट या फिर पीस सेटलमेंट हो जाए आपके इजिप्ट और किसके बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, ठीक है। सो ये फोर्स करना चाहते थे अमेरिका को कि आप इनमें मतलब पीस एग्रीमेंट करवा दो इजिप्ट और इसराइल के बीच में। अब अमेरिका ही क्यों, क्योंकि आपके जो अमेरिका है वो सपोर्ट भी कर रहा था आपका इसराइल को, ठीक है। तो ये चाहते थे कि मतलब ये थोड़ा सा एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके, ये अटैक कर देते हैं आपके ऑन
जो आपका जूस रिलीजियस फेस्टिवल होता है योम किपुर, उसके ऊपर उसके उसके दिन ये अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इनको संभलने का टाइम नहीं मिल पाता है, पर कुछ एक टाइम के बाद ये क्या करते हैं, ये रिवाइव कर पाते हैं और इनके ऊपर वापस में अटैक करने लगते हैं जो जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। और क्या हुआ फिर, आपके जो यूएसए और यूएसएसआर ने बहुत इंटरवीन करते हैं और सीज फायर हो जाता है। ठीक है, फिर आपके एनर्जी क्राइसिस आते हैं इन वर्ल्ड इंडस्ट्रियल नेशंस में। ठीक है, ओपेक, और इसका जो मेन बहाना रहता है कि आपका मतलब इनको जैसे जैसे आप इनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इन्होंने इसी का बहाना लगाकर क्या किया, इनको पनिश करना चाहते थे आपके जो वेस्टर्न की जो कंट्रीज थी इनको पनिश करना चाहते थे ये अरब नेशंस, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर आपके एनर्जी क्राइसिस ला दिया इन्होंने, और इससे आपके आए वर्ल्ड इंडस्ट्रियल नेशन में आपके एनर्जी की क्राइसिस आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर आया आपका इजिप्ट और इजराइलिन इजराइल के बीच में एक पीस अकॉर्ड होता है, और इसका जो मेन रीजन ये रहता है कि आपके वॉर से आपके मतलब काफी जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे वो आए थे आपके नॉट जस्ट इन आपके इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट तो चाह ही रहा था कि आपका जो वॉर से आपका मतलब पीस सेटलमेंट हो पाए आपके किसके बीच में, इसराइल और इजिप्ट के बीच, इजिप्ट के बीच में, वहीं पर आपके जो वो थे क्या बोलते इसराइल, वो क्यों चाह रहे थे इसका जो मतलब ये वॉर मतलब पीस सेटलमेंट क्यों हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द आपके जो फाइनेंस था वो जा रहा था आपका डिफेंस में जा रहा था आपका इसराइल का, जिससे इनकी वजह से इनकी कोई जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, तो इनके बीच में इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक पीस अकॉर्ड होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये रहता है कि आपके इजिप्ट और इसराइल के बीच में जो आपका वॉर चल रहा है वो आपके एंड हो जाता है। ठीक है, अब एंड हो जाता है, और ये क्या करते हैं जो ट्रिप ट्रूप्स होते हैं जो आपके इसराइल है वो ट्रूप्स विड्रॉ कर लेता है, कहाँ से वो विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला, और इजिप्ट प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा अटैक नहीं करेगा इसराइल के ऊपर। ठीक है, इतना बेसिक सबको थोड़ा सा समझ आ गया। उसका वन मोर आउटकम ये रहता है कि आपका जो इजरायली शिप्स थी वो आपके यूज कर सकती थी आपकी सुएज कैनाल। अब क्या हुआ, इसका रिस्पॉन्स ये रहता है कि जो अब ये चाहते नहीं थे कि आपके मतलब जो अरब नेशंस हैं वो इसके साथ मतलब इसराइल के साथ वो थोड़ा सा समझौता करे, तो इन्होंने क्या किया, वो प्रेसिडेंट सदात से क्या थे वो काफी मतलब एंगर्ड थे या फिर आप गुस्से में कह सकते हो, गुस्से में थे, तो ये क्या करते हैं आपका प्रेसिडेंट सदात है उनको क्या कर देते हैं, असैसिनेट कर देते हैं। बट इनके जो आपके लेटर रूलर आते हैं जैसे कि हसनी मुबारक, इनका भी सेम स्टांस रहता है, वो चाहते हैं कि आपके इजिप्ट और इसराइल के बीच में आपके जो पीस सेटलमेंट है वो हो, और इजिप्ट जो अपने इस स्टांस के लिए काफी कंडेम भी किया जाता है। ठीक है, बट ये जो आपका स्टांस था जो इन जिनके लिए इनको काफी कंडेम भी किया जा रहा है किया जाता था या किया जा रहा था उसके लिए वो ओवरशेडो हो गया बाय द ईरान एंड इराक वॉर की वजह से, वो ओवरशेडो हो गया। ठीक है, फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ क्यों था, क्योंकि आपके एक नई गवर्नमेंट आ गई थी, कहाँ पर आ गई थी, इसराइल में, जिसका नाम था आपका लेबर गवर्नमेंट। एक लेबर गवर्नमेंट आ गई थी कहाँ पर, इसराइल में, इन 1992, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया था किसको, फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया था पेलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या किया था, और इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर दिया था इसराइल को, और ये क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये क्या करेंगे, टेररिज्म को क्या कर देंगे, ये गिव अप कर देंगे। ठीक है, और इन इस अकॉर्ड में ये कहा गया था कि आपके पेलेस्तीन थे वो सेल्फ रूल कर सकते हैं इन जेरिको जो था आपका वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, यहाँ पर ये अपना सेल्फ रूल है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिस जिस तरीके से वो चाहें वो उस तरीके से वहाँ पर वो रूल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे आपके बोथ साइड्स, चाहे इसराइल की तरफ हो गए चाहे आपके पैलेस्तीन की तरफ हो गए, वो दोनों ही इस स्टांस से काफी खुश नहीं थे, और क्या कहते हैं कि आपके सेल्फ रूल एस्टेब्लिश होता है, सेल्फ रूल फॉर पैलेस्तीन बिटवीन द सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 1995। ठीक है, और इसमें आपके सेल्फ रूल के लिए आपके पेलेस्तीनियन पार्लियामेंट दी गई थी जिसमें आपके टोटल मेंबर्स थे, जिस 88 मेंबर्स थे। ठीक है, और जो भी आपके पेलेस्तीनियन प्रिजनर्स थे वो रिलीज किए जाएंगे। सो ये रहता है आपका ऑस्लो अकॉर्ड। ठीक है,
और इसमें आपके दोनों साइड में कुछ एक मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स भी थे, जैसे कि हो गया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो गया, जो चाहते थे कि मतलब जो दोनों में से कोई भी मतलब चाहे इसराइल हो गया चाहे मतलब पैलेस्टीन की साइड से मतलब कोई भी अपना जो मतलब इनके बीच में कोई पीस पीस ना हो। और जैसे कि आप पैलेस्टीन चाहते थे कि आपके जो पैलेस्टीन का जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था वो चाहता था कि ये पूरा जो पैलेस्टीन है वो सिर्फ मतलब अरब का या फिर पैलेस्टीनियन अरब्स का होना चाहिए, ठीक है, वहीं पर सेम। और जैसे कि आपके मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप्स थे जिनका नाम था हामास, ठीक है, फिर हिजबुल्ला होगी जो एक पार्टी थी बेस्ड इन लेबनन, ठीक है, और इसराइल में थे जो थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। सो आपके रिसेंट डेवलपमेंट ये रहती है आपके इसराइल में कि आपके इसराइल ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं किसके साथ, टू ऑफ इट्स अरब नेबर्स, जैसे कि हो गया इजिप्ट के साथ हो गया और जॉर्डन के साथ हो गया, आफ्टर साइनिंग पीस ट्रीटीज इन 1979 और 1994, ठीक है। और इन 2020 इसराइल साइंड अ एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द फोर अरब ली कंट्रीज, जैसे कि बहरीन हो गया, यूएई हो गया, सूडान हो गया, फिर मरक्को हो गए, इन सब अरब नेशंस के साथ मतलब ये फुली फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो एस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। और रिसेंटली आपके इसराइल और लेबनन के बीच में भी आपका मैरिटाइम डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट थे, वो भी आपका मतलब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, जो कि आपका था आपके कोल फील्ड्स के काना और करिश गैस फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका डिस्प्यूट था वो चला था फ्रॉम 2010 टू लेकर 2022, ठीक है, जो आपका अप्रोक्सीमेटली आपके 22 सालों के बाद आपके मतलब सॉल्व हुआ था ये डिस्प्यूट।